अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं जुलेखा अरफात जुलेखा। आज क्या बना रहे हो आप? असल सेम चीज रिपीट पुराना हो गया मत। अच्छा चल मैं बता देती हूँ। मैं बना रही हूँ बादाम का हलवा। बादाम का हलवा क्या होता है? खजूर का हलवा होता है। खा के देख लेना ना असल, प्लीज। चलो बाद में। चलो मेरे को काम करने दो। हाँ ओके। अच्छा मैं कहाँ थी? So, कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह के करम से ठीक हूँ। और जैसे अभी मैंने आपसे कहा, अजान से कहा इनफैक्ट, कि आज मैं बना रही हूँ बादाम का हलवा। काफी दिनों से अरफा को मीठा खाना था तो सोचा बादाम का हलवा बना दूँ। और जब बादाम का हलवा बना रही हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ। बस मैंने क्या किया है, सबसे पहले ना ये 1.5 कप बादाम थे। आप चाहे तो रात भर भिगा सकते हैं। अब मेरे पास उतना समय नहीं था और मैं भूल भी गई थी। तो सुबह में मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी गर्म किया और उसके अंदर बादाम डाल दिए और 1 घंटा रहने दिया। तो 1 घंटे के बाद अब मैं इन्हें छील निकाल रही हूँ। ये जो स्किन होती है वो निकाल देनी है आपको, और हमें ये वाला चाहिए होगा, ठीक है ना? तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ क्विकली, उसके बाद मिलती हूँ। छील लिया है तो अभी इसे हम पीस लेंगे। तो ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, मैं तो सारा ही डाल देती हूँ क्योंकि मेरा बड़ा मिक्सर जा रहा है। आप चाहे तो छोटे में भी कर सकते हैं। आप छोटे में 2 से 3 बार आपको थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा। तो चलिए ये मैंने डाल दिया है 1.5 कप बादाम, और इसमें डाल दीजिए 1/4 कप जितना दूध। हम और आगे डालेंगे बट अभी फिलहाल 1/4 कप डालिए। ढककर इसे बहुत अच्छा बारीक पीस लीजिए। ये देखिए अभी भी थोड़े से पीसेस हैं तो मैं और दूध डालूंगी। अच्छा मैं फिर से 1/2 कप दूध डाल रही हूँ। 1/4 कप है मेरा, इसके लिए मैं 2 बार डाल रही हूँ। और अब इसे अच्छे से बारीक पीस लेती हूँ। ये मैंने पीस लिया है और अब हम बनाते हैं। ये देखिए एकदम अच्छा सा, देख सकते हैं आप, एकदम बारीक पेस्ट हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं एकदम बारीक पेस्ट टाइप हो गया है। क्रीमी हो जाए तो भी बहुत अच्छा है। अब मैं एक पतीली के अंदर 1/2 कप असली घी डाल रही हूँ। उसके अंदर ये जो हमने थोड़ा गर्म हो जाता है घी, ये जो हमने बादाम का जो ये पीस के रखा है क्रीमी टेक्सचर वाला, ये सारा डाल दीजिए। और इसे अब हमें भूनना है। इसे बार बार चलाते रहिए और इसे बहुत अच्छे से भूनते जाइए। मीडियम आंच पर भूनिएगा और आपने तब तक इसे भूनना है जब तक आप देखें कि ये जो बादाम का ये जो मिक्सचर है ये पैन छोड़ने ना लगे, तब तक हमें इसे भूनना है। मैंने चूल्हा मीडियम पर ही रखा है। ये देखिए कुछ देर में तो ये अच्छा खासा पैन छोड़ रहा है। आप देख सकते हैं ड्राई आउट हो रहा है और थिक भी हो रहा है और पैन छोड़ रहा है। जब इस तरीके से हो जाए और पैन छोड़ने लगे तो अब डाल दीजिए 1.5 कप दूध। चूल्हे को मीडियम आंच ही रहने दीजिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। और ये जो आप देख सकते हैं हल्के गट्टे गट्टे टाइप है, वो भी लूजन अप हो जाएंगे आप बार बार चलाते रहेंगे तो, और एकदम क्रीमी टेक्स्चर कर लीजिए। 15-20 मिनट पहले क्या कीजिए, 1/4 कप जितने दूध के अंदर थोड़े से ज़ाफ़रान को मिलाकर थोड़ा सा गुनगुना दूध लीजिएगा, उसमें मिलाकर साइड पर रख दीजिएगा। बट अब मेरे पास तो ज़ाफ़रान है नहीं तो मैंने क्या किया, दूध के अंदर हल्का सा ऑरेंज कलर जो केसरी कलर आता है ना वो डालकर उसे फूड कलर को मिक्स कर मैंने इसमें चला कर डाल दिया है। अच्छा आप लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़ाफ़रान हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि केसर का एक अपना ही फ्लेवर आता है। हाँ बच्चे लिए अब इसे आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं टेक्सचर क्रीमी होते जा रहा है ना, और जो भी गट्ठे हैं वो लूजन अप हो रहे हैं और एकदम क्रीमी टेक्सचर होते जा रहा है। दूध डालने के बाद आपने तब तक पकाना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता। अच्छा कुछ देर में तो ये थिक हो जाएगा लेकिन बार बार चलाते रहिए और मीडियम आंच पर ही रखिएगा चूल्हे को। जब आपको लगे कि अच्छा थिक हो रहा है तो बीच में 1-2 बार आप चाहें तो मेरी तरह 1 से 2 टेबलस्पून जितना घी डालें और फिर से मिक्स कर लें। अच्छा अब आप देख सकते हैं कि पैन छोड़ रहा है और अच्छा थिक हो चुका है। तो अब हम डाल देते हैं शक्कर। तकरीबन 3/4 कप जितनी शक्कर डालिए। अब शक्कर मैं 3/4 कप जितनी डाल रही हूँ, आप चाहें तो 1 कप जितनी तक डाल सकते हैं। मिक्स कर लीजिए और जब ये मिक्स करेंगे, चूल्हा मीडियम पर ही है तो ये मेल्ट होती जाएगी तो लिक्विड थोड़ी सी हो जाएगी, तो डरिएगा मत। इसे मिक्स करते जाइए और मीडियम आँच पर इसे पकने दीजिए। अब आपने शक्कर डालकर तब तक पकाना है जब तक आपको डिजायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती, मतलब थिक नहीं हो जाता हमारा हलवा।
तो आप ऐसे मीडियम आंच पर पकाते रहें, बीच बीच में चलाते रहें। अच्छा, मैं फिर से थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना घी डाल रही हूँ और हल्का सा स्लो कर कर इसे ढक कर 1 से 2 मिनट धीमी आंच पर पकने देती हूँ। आप चाहे तो मीडियम पर ही पका लें और डिजायर्ड कंसिस्टेंसी जैसे थिक हो जाता है हलवे की तरह तो बंद कर दें। चलिए 1 से 2 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं मैंने ढक्कन खोल लिया और ये हो चुका है, अच्छी थिक कंसिस्टेंसी मिल गई और आप देख सकते हैं घी भी छूट चुका है। हाँ अच्छा, अब आप चाहें तो थोड़ा सा घी फिर से और ज़्यादा कम लग रहा है आपको तो डाल सकते हैं 1 से 2 टेबल स्पून, और आधा 1 मिनट तक पका लें और फिर चूल्हा कर दीजिए बंद। मैं अभी कर देती हूँ चूल्हा बंद। चलिए बढ़िया सी खुशबू आ रही है। अच्छा, आज मैंने क्या बनाया है आप लोग को बताया नहीं ना, चलिए मैं बताती हूँ। आज मैंने क्या बनाया है, ये है पालक दाल, बहुत ही मजेदार बनती है। ये पालक दाल थी, मैं अभी खा रहे हैं हम लोग ये, और ये थोड़े से मैंने चावल बनाए थे बघारे हुए, और ये है सिम की चटनी, बढ़िया सी मजेदार सी। और इसके साथ साथ मैंने रोटी भी बनाई है, अभी रोटी क्या दिखाऊं आपको। चलिए अब मैं निकाल लेती हूँ इसे, अब क्विकली मैं बादाम का हलवा निकाल लेती हूँ। मेरे पास केसर नहीं थे और ये मैंने बहुत एंड मोमेंट पे डिसाइड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप केसर डालिएगा, फूड कलर ना डालें, अच्छा टेस्ट आएगा। बढ़िया सा मजेदार सा रेडी हो गया ना, अब मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कैसा लगा। चलिए मैं आपको खा के दिखा देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा बनाया, गाजर का हलवा, बादाम का हलवा, सॉरी बादाम का हलवा। अच्छा, शक्कर हमारे हिसाब से है, मैंने कम ही रखी है, आप चाहे तो ज्यादा डाल सकते हैं। खा के देखो सर। ये था बढ़िया सा बादाम का हलवा, आई होप आपको अच्छा लगे, अच्छी लगा हो ये वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को, और अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, इंजॉय बादाम का हलवा।